बिहार के पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट पर एक बार फिर मुकाबला बेहद दिलचस्प माना जा रहा है। रामकृपाल यादव और मिसा भारती के बीच आर पार की लड़ाई चल रही है। एक तरफ राजद प्रमुख लालू यादव के बेहद करीबी माने जाने वाले और उनके हनुमान कहलाने वाले रामकृपाल यादव बीजेपी से ताल ठोक रहे हैं, तो वहीं उनके सामने लालू यादव की बेटी मिसा भारती हैं। हमारे साथ रामकृपाल यादव मौजूद हैं, जो कि केंद्रीय मंत्री के साथ साथ निगरानी और कार्यवहन समिति के अध्यक्ष रहे हैं। रामकृपाल जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपके 5 साल के कार्यकाल में पाटलिपुत्रा लोकसभा में आपकी कौन कौन सी खास उपलब्धियां रही हैं? बहुत सारी उपलब्धि है। रोड है, पुल है, पुलिया है, बीज है, रेलवे लाइन है, एयरपोर्ट है, बड़े बड़े हॉस्पिटल है, कल है, कारखाना है, बांध है, बहुत अनेक सिंचाई की व्यवस्था है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि आपके कार्यकाल के दौरान कई ऐसे मुद्दे भी रहे हैं जिन पर अभी और काम होना चाहिए, जैसे विक्रम में ट्रोमा सेंटर का चालू नहीं होना? ट्रोमा सेंटर चालू नहीं हुआ, तकनीकी दिक्कत है, मगर हमारा प्रयास है कि निकट भविष्य में चालू हो। और सिंचाई के साधन में? सिंचाई का साधन सोन नहर में सिंचाई का साधन तो है, वह जितनी मात्रा में होनी चाहिए सुविधा वो नहीं मिल पा रही है, उसके भी निदान के लिए मैं लगातार प्रयासरत हूँ। अगर मनेर क्षेत्र की बात करें तो वहाँ की सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि वहाँ के पानी में आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा है। मेंशन हो गया है, लोक स्वास्थ्य नियंत्रण विभाग ने उसकी स्वीकृति दे दी है और भारत सरकार और राज्य सरकार की जो संयुक्त से योजना है उस पर कार्य प्रारंभ हो गया है। कई जगहों पर इसकी काम शुरू हो गई है और कई जगह पर लंबित इलाका है, उसमें काम बहुत जल्द शुरू हो गया। पाटलिपुत्र क्षेत्र के फुलवारी शरीफ में एम्स है, जिसकी स्थिति पहले से बदतर हो गई है, तो उसे सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे और आपकी सरकार क्या क्या फैसिलिटी देगी? एम्स का विस्तार लगातार हो रहा है, फुलवारी हमारे क्षेत्र में ही है और पहले की अपेक्षा काफी वहाँ मरीजों की संख्या बढ़ी है और सुविधा भी बढ़ी है, अभी और सुविधा हो सकता है जो लगातार बढ़ रही है। मनेर बिहटा पालीगंज क्षेत्र में रेफरल हॉस्पिटल को लेकर क्या सुविधा दिया जाएगा? रेफरल हॉस्पिटल में पहले की अपेक्षा निश्चित तौर पर सुधार है, डॉक्टर की उपलब्धता है और मरीज और दवा की उपलब्धता है, मगर थोड़ी और उसमें सुधार की आवश्यकता है जो प्रयासरत। पिछले लोकसभा चुनाव में आपने राजद कैंडिडेट मिसा भारती को हराया था, इस बार भी आपके खिलाफ मिसा भारती ही हैं, ऐसे में आपका चुनावी मुद्दा क्या है? विकास, चुनावी मुद्दा विकास। चुनाव प्रचार के दौरान जब आप लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो जनता आपसे क्या उम्मीद कर रही है, क्या कह रही है? ये क्षेत्र जो जहाँ अभी आए हैं, पिछले 5 साल पहले यहाँ जाने की स्थिति नहीं थी। ये सड़क का निर्माण मेरे ही माध्यम से किया गया है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से, और भी कई ऐसी समस्या था जिसका मैंने निदान किया है और अनवरत प्रयास में लगा हूँ कि पाटलिपुत्रा की जो समस्या से जकड़ा हुआ था उसे निजात दिलाऊं। 2500 गांव में तो केवल बिजली मैंने पहुंचाया है और न जाने सैकड़ों सड़क का निर्माण हुआ है ग्रामीण विकास मंत्रालय और राज्य सरकार के संयुक्त अभियान में, टोलों को ग्रामों को जोड़ने का काम किया गया। चुनाव का मौसम है, जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? जनता के लिए मैसेज ये है कि आप अपना आशीर्वाद दीजिए सेवक को और जिस तरह से मैं आपके अनवरत 5 साल तक सुख दुख का साथी रहा हूँ, सेवा भाव से काम किया हूँ, आगे भी करूँगा और राष्ट्र के निर्माण के लिए, गरीबों के विकास के लिए, आम लोगों के विकास के लिए, किसानों के हित के लिए और राष्ट्र के सुरक्षा के लिए आवश्यकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इसलिए देश की जनता और पाटलिपुत्रा की जनता ने तय कर रखा है कि इस बार हम माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे और अपने सेवक रामकृपाल यादव को सेवा का पुनः अवसर देने का काम करेंगे। विपक्ष जोरों शोरों से चुनाव प्रचार में जुटी है, भले ही लालू यादव इस लोकसभा चुनाव में मौजूद नहीं है, लेकिन राजद पार्टी जनता के बीच ये एहसास दिलाती रहती है कि लालू यादव जनता के बीच में ही है। तभी तो मिसा भारती लालू यादव का फोटो लेकर प्रचार कर रही है, तो इस पर आपकी क्या राय है? पास है क्या विकास तो मुद्दा है नहीं, लगातार 15 साल शासन कब और 2 साल का शासन बीच का, 17 साल में क्या मिला है? कुछ तो नहीं मिला। इसके बाद मुद्दा नहीं है, जो मुद्दा विहीन है, जो विकास की बात नहीं कर सकता है,
पाँच साल पहले चुनाव उम्मीदवार के रूप में वर्तमान राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार रही हैं। पाँच साल में कौन सी उपलब्धि, डेढ़ साल से तो राज्यसभा के सांसद में। अगर आपकी पार्टी इस क्षेत्र में दोबारा चुनाव जीतती है तो पार्टी का संकल्प क्या होगा? पाटलिपुत्र क्षेत्र में विकास की गंगा कैसे बहेगी? होगा पाटलिपुत्र की जनता का विकास, गांव का, गरीब का, किसान का, मजदूर का, नौजवान का, महिला का, पुरुष का, शिक्षा का, दीक्षा का, सब कुछ। मोदी जी और नीतीश जी के संयुक्त अभियान में 200 कार्यक्रम जनहित के लिए चलाए जा रहे हैं, सबको सुविधा मिला है। जो सांसद आदर्श गांव की परिकल्पना की गई वो पूरी हुई? सांसद आदर्श ग्राम की परिकल्पना को पूरा करने का काम किया गया है देश के विभिन्न भागों में, हमारे क्षेत्र पाटलिपुत्र में। मगर मैं समझता हूँ कि थोड़ी और उसमें अगर राज्य सरकार का सहयोग हुआ होता, जीत हुआ है और थोड़ी तरक्की होती है। तो उम्मीद किया जाए कि अगर आपकी सरकार फिर से पाटलिपुत्र क्षेत्र में आती है तो विक्रम में ट्रॉमा सेंटर चालू होगा, मनेर में हॉस्पिटल बनाया जाएगा। देखिए, ट्रॉमा सेंटर तो मैं कह सकता हूँ कि लंबित पड़ा हुआ है, तो उसको आगे ले जाएंगे। और मनेर में जो अभी तक हॉस्पिटल मैंने बनवाया है 1.5 करोड़ रुपये की लागत से, स्वास्थ्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जहाँ पहले कुत्ता भुगता था, गंदगी का अंबार था, वहाँ देखिए मैंने बनवा दिया है। और मनेर में एक और अच्छे हॉस्पिटल की जरूरत है। बिहटा में एक बड़ा सा हॉस्पिटल और कॉलेज दोनों की स्थापना हुई, हाल में ही हम लोगों ने करवाने का काम किया। हॉस्पिटल तो है, वहाँ हॉस्पिटल है, एयरपोर्ट है। मनेर तो आने वाले दिन में एक नोएडा का स्वरूप हो जाएगा। बेटा का इलाका मनेर का ही इलाका है, बिकॉज मनेर का जो इलाका है वहाँ रोड की भारी समस्या थी, इतना इतना गड्ढा था। चुनाव से जुड़ी और भी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर ले। शुक्रिया।